चले मैं फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ वर्डिंग, ताकि उसमें ये चीज़ें इंक्लूड हो जाए। यस सर। अच्छा, तो ये जो ई टाइप मॉस्फिट है, इसका जो डी टाइप मॉस्फिट के साथ जो एक बेसिक डिफरेंस है आपके पास, ये कि इसमें चैनल मौजूद नहीं होता। जो प्राइमरी डिफरेंस है बिटवीन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डी टाइप और ई टाइप मॉस्फिट, कि यहाँ पर एक चैनल मौजूद नहीं है। डी टाइप में ये होता है कि ये जो एन और एन है सोर्स और ड्रेन के, वो यहाँ पर आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक चैनल मौजूद होता है। ये जैसे एक चैनल मौजूद है आपके पास, तो यहाँ पर नहीं है, ये एक प्राइमरी डिफरेंस है कंस्ट्रक्शन के अंदर। और डेफिनेट सी बात है, इसके इफेक्ट इसकी वर्किंग के ऊपर भी आएगा। तो पहले हमने ये डिस्कस किया था कि अगर VGS जो गेट और सोर्स है, अगर वो जीरो पोटेंशियल के ऊपर है, और हो सकता है कि यहाँ पे सोर्स और ड्रेन के दरमियान ऐसा कोई पाथ एस्टेब्लिश ना हो, और अगर कोई पाथ एस्टेब्लिश नहीं होगा तो आपके पास जो करंट है वो चार्ज फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा, करंट की कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर लेट से आप ये जो VDS है ड्रेन टू सोर्स और VGS गेट टू सोर्स, अगर उनको पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं, सम पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन द जीरो, यानी कि जीरो के अलावा अगर उन पे वैल्यू है, तो VDS जीरो के अलावा का मतलब ये कि VD माइनस VS ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब है ड्रेन एट सम पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, तभी उसका आंसर ग्रेटर देन जीरो है। और VGS का आंसर भी जीरो होने का मतलब ये है कि आपने गेट के वोल्टेज और सोर्स के वोल्टेज का डिफरेंस लिया और आंसर आपके पास ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब है कि गेट और जो ड्रेन है वो दोनों एट सम हाई पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, और अगर इनका डिफरेंस जीरो आ जाता है तो इसका मतलब है ड्रेन और सोर्स सेम पोटेंशियल पे, और गेट और सोर्स का भी अगर आंसर जीरो आ जाता है VGS का, तो इसका मतलब है गेट और सोर्स सेम पोटेंशियल पे। तो जैसे हमने अभी जिक्र किया कि VGS जो है उसके अंदर गेट जो है वो हायर पोटेंशियल पे विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स, तो गेट के साथ पॉजिटिव आपको जो है वो पोटेंशियल नज़र आ रहा है। अब होगा क्या कि ये जो पी टाइप का सबस्ट्रेट, अच्छा यहाँ पर पहले चैनल मौजूद नहीं था, ये चैनल पहले से मौजूद नहीं है, जो ई नज़र आ रहा है ये इंड्यूस होके आए हैं, ये भी डिस्कस करते हैं कि कैसे हैं, ये पहले से मौजूद नहीं थे, पहले ऐसे ही ये सारी पी सबस्ट्रेट था आपके पास। तो होगा क्या कि पी सबस्ट्रेट्स के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो कि होल्स हैं, वो गेट के पॉजिटिव की वजह से रिपेल होंगे, और आपको मिडल में दिखाई दे रहे हैं ये एरो लगा हुआ है कि राइट साइड की तरफ जो आपके पास होल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, अवे जा रहे हैं, होल्स रिपेल्ड बाय पॉजिटिव गेट, क्योंकि गेट एट सम पॉजिटिव पोटेंशियल है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर रहे हैं, पॉजिटिव इनके मिडल में आ चुके हैं। अच्छा, अब ये ई कहाँ से है, पी जो पी सबस्ट्रेट है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट माइनॉरिटी जो कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेट के पॉजिटिव की वजह से अट्रैक्ट होके ये साथ में एक लेयर बना रहे हैं। ये पॉजिटिव की वजह से जो पी सबस्ट्रेट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, उन्होंने ये एक लेयर बनाई हुई है, और इवेंचुअली जैसे जैसे आप जो VGS है उसको चेंज करेंगे, और उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो और इफेक्टिवली अट्रैक्ट होंगे, तो ये एक आपको एक इंड्यूस्ड चैनल बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक ऐसा पाथ बन रहा है जो कि सोर्स से ड्रेन की तरफ है, और यही वजह बनता है फ्लो ऑफ चार्जेस की, और इसी को हम करंट के सेंस में काउंट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर खुद से कोई जो चैनल है वो कम्युनिकेशन मौजूद नहीं थी सोर्स और ड्रेन के दरमियान, और अब खुद से चूंकि आई है वो किसी प्रॉपर्टी की वजह से आई है, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ड यूज़ हो रहा था वो इंड्यूस का वर्ड यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पे एज ए नोट्स में कुछ चीज़ें हाईलाइट कर देता हूँ। द पोटेंशियल द पॉजिटिव पोटेंशियल एट द गेट विल प्रेशर द होल्स, जो कि रिपेल करेगा उसको, और एंटर द डीपर रीजन, वो आपने देखा है कि पी सबस्ट्रेट्स के दरम्यान में आ चुके थे वो, ये चीज़ मौजूद है एज शोन इन फिगर, ये यहाँ पे आ चुके हैं डीपर रीजन के अंदर। और ये चले कहाँ थे, ये इस जगह से आके इधर को मूव किए, और जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे वो मैंने आपको बताया मोनोटी जो कैरियर्स मौजूद थे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे गेट की तरफ, और ये साथ में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर का मेंशन है, तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है उसके साथ आके लग चुके हैं ये, और ये गेट के पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में जो डिफ्यूज नहीं हो सकते, जो रिकम्बिनेशन की प्रॉपर्टी होती कंबाइन, आपस रिकम्बाइन नहीं हो सकते, ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव मिलके
कंबाइन नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, कि बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर है, तो ये यहाँ पे मेंशन है कि वो कंबाइन नहीं होंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर मौजूद है। सो एज VGS इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड, जैसे जैसे आप VGS को इंक्रीज करते हैं, इसका मतलब है गेट मोर पॉजिटिव पे जा रहा है और सोर्स मोर नेगेटिव पे जा रहा है। जब सोर्स मोर नेगेटिव पे जा रहा है और पहले से एन टाइप मटीरियल मौजूद है, तो नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कसरत होगी यहाँ पर, और ये जो गेट है वो और पॉजिटिव होता जाएगा, वो पी सबस्ट्रेट से और जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अट्रैक्ट करके लाएगा, तो दोनों सेंस में VGS का जो इंक्रीज होना है वो आपको हेल्प आउट करेगा ये पाथ बनाने में फ्लो ऑफ चार्जेस के सेंस में। सो एज VGS इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड, द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नियर द सिलिकॉन डाइऑक्साइड लेयर जो है इंक्रीजेज अंटिल इवेंचुअली द इंड्यूस्ड एन टाइप रीजन कैन सपोर्ट अ मेजरेबल फ्लो बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स। तो होगा क्या कि पी सबस्ट्रेट्स के अंदर जो मिनोरिटी चार्ज कैरियर्स थे दैट विल बी अट्रैक्टेड, और वो SiO2 लेयर के साथ आ जाएंगे, और सोर्स नेगेटिव पे है, गेट मोर पॉजिटिव पे है, और सोर्स दूसरे लफ्जों पे मोर नेगेटिव पे है विद रिस्पेक्ट टू द गेट, तो ये एक रीजनेबल अमाउंट में चार्जेस साथ में अटैच हो जाएंगे और एक आपको एक फ्लो मिलेगा, और उसी फ्लो का नाम भी यहाँ पर जो है वो करंट है। सो द लेवल ऑफ VGS अब होगा ये कि जो मैंने सारी बातें डिस्कस की, इसमें हमने कहा कि VGS जीरो था तो कुछ नहीं आ रहा था, VGS को हमने इंक्रीज करते गए, VGS इंक्रीज करने का मतलब ये है कि गेट को हम मोर पॉजिटिव करें और मोर पॉजिटिव करें। इवेंचुअली कैसा टाइम आया कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हो गए और एक इंड्यूस्ड चैनल बन गया ये वाला, तो यहाँ से ये फील होता है कि VGS को आप इंक्रीज करें, इसका मतलब एक ख़ास आपको वोल्टेज की वैल्यू चाहिए जो कि पाथ बनाए और जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस करे, जो कि करंट को फ्लो कराने में हेल्प आउट करे, तो उसका नाम आपने थ्रेशोल्ड वोल्टेज रखा हुआ। जैसे आपके पास डायोड के केस में फॉर एग्जांपल होता है कि एक पीएन जंक्शन को ओवरकम करने के लिए, एक बैरियर को ओवरकम करने के लिए सर्टेन वोल्टेज रिक्वायर होते हैं, और आप 0.7 या 0.3 या 1.2 जो हमें रिक्वायर होते हैं, ये वैसा फिनोमेना तो नहीं है खैर, लेकिन स्टिल हमें जो है वो एक सर्टेन एक वोल्टेज चाहिए जब आपके पास फ्लो आ जाए, ठीक है। सो उससे खैर एक सम हाउ थोड़ा रिलेट करता है। सो द लेवल ऑफ VGS दैट रिजल्ट्स इन द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ड्रेन करंट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सो इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अगर VGS कम होगा तो वो फ्लो नहीं करेंगे, तो इसीलिए उस VGS को हम VGS और सबस्क्रिप्ट में TH भी लिख देते हैं, यानी कि VGS थ्रेशोल्ड। अच्छा, बात आती है इसके नाम के ऊपर भी, अब जिक्र आता है जरा, सिंस द चैनल इज non-existent with VGS is equal to zero, VGS zero जब था तो channel exist नहीं कर रहा था, उसकी existence मौजूद नहीं थी, और जैसे जैसे आपने VGS को increase किया, ठीक है, so and enhanced by the application of the positive gate to VGS को increase करने का मतलब क्या है कि voltage across the gate to source आपने enhance किए, तो जब आपने enhance किया तब आपके पास flow शुरू होगा, पहले might भी आपके पास ID नहीं था, अब ID आना शुरू हुआ, सो इन्हांस हुआ पॉजिटिव गेट टू सोर्स वोल्टेज की वजह से, और इस टाइप की वजह से दिस टाइप ऑफ MOSFET इज कॉल्ड एन इन्हांसमेंट टाइप ई टाइप MOSFET। सो बोथ डिप्लीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोथ डिप्लीशन एंड इन्हांसमेंट टाइप MOSFET हैव इन्हांसमेंट टाइप रीजन्स। सो जो डी टाइप का MOSFET था उसमें भी इन्हांसमेंट टाइप रीजन आया था जब आप VGS को ग्रेटर देन जीरो ले रहे थे, तो ID की वैल्यू IDSS से बढ़ गई थी, पिछले लेक्चर में हमने जिक्र किया था। अभी आप ई टाइप MOSFET पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी इन्हांसमेंट मोड आया। अच्छा, अब अगली जो बात है, इसका मतलब है कि वो तो डी में, डी टाइप MOSFET में डिप्लीशन मोड भी था, इन्हांसमेंट मोड भी था, तो उस वहाँ से तो कोई खास चीज़ जाहिर नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर इसका इसके अंदर जो है वो एक ही मोड होता है, इन्हांसमेंट में एक ही मोड है, वो इन्हांसमेंट मोड है, इसमें डी डिप्लीशन मोड नहीं है। सो बट द लेबल वॉज अप्लाइड टू लेटर सिंस इट इज इट्स ओनली मोड ऑफ ऑपरेशन, तो इसको फिर इन्हांसमेंट टाइप MOSFET इसलिए कहा गया था कि इसके अंदर सिर्फ एक ही इसके अंदर मोड है और वो इन्हांसमेंट टाइप मोड ही है, ये डिप्लीशन मोड में काम नहीं करता। जो डी टाइप MOSFET है वो डिप्लीशन में भी काम कर रहा था, जब डिप्लीशन में काम करता है डी टाइप MOSFET जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, तो उसको हम GFETs के साथ रिलेट कर देते हैं, और जब हमारे पास डी टाइप MOSFET इन्हांसमेंट मोड में काम करता है तो उसको फिर हम इन्हांसमेंट मोड में डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हमें ID की जो वैल्यू है वो IDSS
से ज्यादा मिल जाती है और VGS उस पे पॉजिटिव पे हमने देखा था। अच्छा, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, इस पे साथ में ये बड़ा डिपेंड कर रहा था कि आप ये लेट से लिखा हुआ कि एन चैनल, ये एन चैनल को डिस्कस कर रहे हैं या पी को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप दूसरे चैनल को लेके आएंगे चीजें उससे रिवर्स हो जाती। तो ये तो एक चीज था कि आपने इसका नाम किस सेंस में रखा है। ओके जी, सो हाउएवर इफ वी होल्ड VGS कांस्टेंट, अच्छा अब उसको क्या करेंगे, VGS का आपको कॉन्सेप्ट का पता चल गया कि VGS को इंक्रीज किया तो आपके पास एक चैनल बन गया और उसकी वजह से आईडी फ्लो करने लग गया, तो अब आप VGS जो है उसको कांस्टेंट रखा है और VDS को इंक्रीज करें। ओके, सो VGS अब आपके पास एक कांस्टेंट, कोई कोई कांस्टेंट वैल्यू है, थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी और चैनल एग्जिस्ट कर गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, VDS को इंक्रीज करके इफेक्ट देखते हैं कि VDS को अगर मैं इंक्रीज करता हूँ तो द ड्रेन करंट विल इवेंचुअली रीच अ सेचुरेशन लेवल। तो जैसे जैसे आप VDS को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इवेंचुअली एक लेवल आएगा कि जो ID है, ठीक है, वो सेचुरेट हो जाएगा, और एक VDS का भी ऐसा लेवल आएगा कि VDS भी जो है वो सेचुरेशन में चला जाएगा। सो एट इंक्रीज द लेवल ऑफ VDS द ड्रेन करंट विल इवेंचुअली रीच सेचुरेशन लेवल, फिर उससे ज़्यादा वो बढ़ नहीं सकेगा। इसको भी देख लेते हैं कि इससे क्या इफेक्ट होगा अभी डायग्राम के थ्रू। एज अकर्ड फॉर द GFETs एंड डिप्लीशन टाइप MOSFET, तो ये जो बिहेवियर है कि अगर आप VGS को कॉन्स्टेंट कर देते हैं और VDS को इंक्रीज करते जाते हैं तो एक ऐसा लेवल आता है कि ID जो होता है वो सेचुरेट हो जाता है। अब मैं एक मिनट दिखा दूँ आपको कि वो किस तरह का। फॉर एग्जाम्पल, आप VGS को आपने कांस्टेंट कर दिया, वो जो भी उसका फिनोमेना था, यहाँ पे गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज थे, पी सबस्ट्रेट के होल्स को उसने रिपेल कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स को उसने अट्रैक्ट कर लिया, उसने एक चैनल एस्टेब्लिश कर दिया, ये VGS का बिहेवियर था, और अब VGS कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो। अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से कि VDS को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। VDS को इंक्रीज करने का मतलब ये है कि ड्रेन को आप मोर पॉजिटिव करते जा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स। तो जैसे जैसे आप ड्रेन को मोर पॉजिटिव करेंगे, ये एन टाइप जो मटेरियल है उसको जब आप पॉजिटिव के साथ अटैच करेंगे तो ये रिवर्स बायसिंग का कॉन्सेप्ट आपको देगा। और अब अगर आप देखें तो ये जो PN जंक्शन है वो आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर कम है, क्योंकि N जो है वो नेगेटिव के साथ ही अटैच है, यहाँ पर एक नॉर्मल बिहेवियर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर जो डिप्लीशन लेयर है वो कम है। तो जैसे जैसे आप VDS को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ड्रेन और पॉजिटिव से पॉजिटिव होता जा रहा है, तो इसका ये जो पाथ है वो पिंचिंग की तरफ जा रहा है, जैसे आपने पिंच ऑफ का फिनोमेना पढ़ा था, वो ID जो है वो सेचुरेशन की तरफ जा रहा है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा अगर आप VDS को बहुत बढ़ा देते हैं तो वो ब्रेकडाउन की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, एनी फर्दर इंक्रीज इन VDS एट द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ VGS, क्योंकि VGS को अब हम डिस्कस नहीं करें, विल नॉट इफेक्ट द सेचुरेशन लेवल ऑफ ID अंटिल ब्रेक डाउन कंडीशन आर इनकाउंटर्ड, यानी कि इवेंचुअली सडन फिर एक स्पाइक आएगी और हमारे पास ब्रेक डाउन जो रीजन है उसमें ये आ जाएगा। तो ये वो वे था जो यहाँ पर खैर डिस्कस हुआ है, ये अब दोबारा इसको पढ़ लेते हैं और इसमें क्या काम की चीजें। सो ये वो लिखा हुआ था, हाउएवर इफ यू होल्ड VGS कॉन्स्टेंट इंक्रीज द लेवल ऑफ VDS द ड्रेन करंट विल इवेंचुअली रीच अ सेचुरेशन लेवल एज अकर्ड, इसलिए कह रहा है क्योंकि वहां पर आपने पिंच ऑफ का फिनोमिना पढ़ा था और वहां पे भी टॉप टॉप साइड पे डिप्लीशन लेयर ज्यादा हुई थी और नीचे से जो पाथ था वो मौजूद था और ऊपर पाथ जो था वो स्क्वीज हो गया था, तो इसलिए इसने उसकी तरफ रेफरेंस दिया। और यहाँ पर अब खैर ये तो वो फिनोमिना था जो कि मैंने आपको अभी रिसेंटली जो डायग्राम है उसके थ्रू दिखाया, फिगर के थ्रू, और ये हमने स्टेटमेंट पढ़ी, ये तो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट थे। अब वो फर्दर बेसिकली वोल्टेजेस में इंटरेस्टेड है, VDG यानी कि ड्रेन और गेट का जो डिफरेंस है उसमें इंटरेस्टेड है, और उसको अगर मैं देखूं यानी कि ये जो ड्रेन है ये और ये जो गेट है इनके वोल्टेजेस में इंटरेस्टेड है, तो ड्रेन और गेट के सेंस में अगर आप देखें तो उसके रास्ते में एक तो VDS आ रहा है और एक फिर यहाँ से मैं चल रहा हूँ तो VGS आ रहा है, फिर गेट पहुँच रहा है, यानी कि VDG ड्रेन का वोल्टेज और गेट के वोल्टेज में अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ, DG में अगर यानी कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो ये दो डिफरेंसेस बीच में आ रहे हैं VDS और VGS। तो ये उसने KVL लगाया हुआ कि VDG इज इक्वल टू VDS माइनस VGS, इन दोनों का उसने डिफरेंस लिया और इसको सम हाउ थोड़ा डिस्कस किया हुआ
इन अ वेरी क्विक वे हम भी डिस्कस कर लेते हैं। वो कहता है इफ VGS इज हेल्ड फिक्स्ड एट सम वैल्यू सच एज 8 वोल्ट, कोई भी वैल्यू है VGS की, VGS को आप एक फिक्स वैल्यू पे लिए, यानी कि इसका मतलब ये है कि VGS को जो कुछ भी रखना है VGS जो है वो ग्रेटर देन जीरो है और उसकी खास वैल्यू है वो 8 वोल्ट यहाँ पे मेंशन है, वो 6 हो सकती, 5 हो सकती, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जब आप एक चीज़ को फिक्स करते हैं और दूसरी चीज़ को वेरी करते हैं तभी आप एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप पैरेलल में दो या एक से ज़्यादा चीज़ों को वेरी करते जाएँ फिर आपको ये क्लियर नहीं होता कि किस चीज़ की वजह से फ़र्क पड़ रहा है उसको। सो इफ़ VGS इज़ फिक्स्ड एट सम वैल्यू सच एज 8 वोल्ट, दैट कुड बी 5, 6 जो कुछ भी हो सकते हैं, और जो काम की बात है जो तब्दीली चेंज लेके आना है वो VDS में लेके आना है, VDS इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 वोल्ट टू 5 वोल्ट, और हम इसे अगर और इंक्रीज करते जाते हैं और करते जाते हैं तो हम पिंचिंग की तरफ चले जाएंगे। खैर द वोल्टेज VDG बाई इक्वेजन 6.13, ये इक्वेजन है और आई कहाँ से, फिगर से ही भी मैंने दिखाया, विल इंक्रीज फ्रॉम -6 टू -3 वोल्ट। सो अगर आपने VGS 8 लिया हुआ फिक्स किया हुआ और VDS 2 है तो 2 - 8 ये -6 हो जाएगा, और अगर आप इसको 5 वोल्ट कर देते हैं तो 5 - 8 ये -3 हो जाएगा। सो ये दिस रिडक्शन इन गेट टू ड्रेन, ये जो DG गेट टू ड्रेन में जो रिडक्शन है वो ये बता रही कि रिड्यूस द अट्रैक्टिव फोर्सेस फॉर फ्री कैरियर्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स को आप अट्रैक्ट कर रहे थे, जो इंड्यूस्ड आपने चैनल बना हुआ था, जो रीजन बन रहा था, उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो कम हो जाएंगी इन दिस रीजन ऑफ द इंड्यूस्ड चैनल। अच्छा ये वो वर्ड था जिसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा था, पहले भी डेफिनेट सी बात है कहीं ना कहीं आया होगा, ये वो जो चैनल है चूँकि बना नहीं होता तो फिनोमेना की वजह से इंड्यूस हुआ है, इस वजह से आप इसको नाम दे रहे हैं इंड्यूस चैनल का। तो जो ये आंसर कम हुआ है -6 से -3 वो बता रहा है कि आपके पास जो अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं वो कम हो गई हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेज के कम होने का मकसद क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो पाथ बना रहे थे उसकी जो चौड़ाई है, जो विथ है, वो कम हो जाएगी, और वो इवेंचुअली आपने यहाँ पे पिक्चर पे भी देखा कि फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि वो सैचुरेशन में चला जाएगा, और अगर आप बहुत VDS को और बढ़ाते हैं तो वो फिर ब्रेकडाउन में चला जाएगा। सो जो VDS सैचुरेशन है हमारे पास, यानी कि VDS सैचुरेशन वो हमारे पास आती है कि VGS जो गेट टू सोर्स वोल्टेजेस हैं -VT थ्रेशहोल्ड वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज जब आपको कंडक्शन मिलती है, जब पाथ एस्टेब्लिश हो जाता है और सोर्स टू ड्रेन कोई ना कोई करंट फ्लो करने लग जाता है। जी आपके पास चीज़ है बेसिकली VD सैचुरेटेड, ये जो लोकस बना हुआ आपके पास, ये जो पॉइंट्स बने, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट्स जो बन रहे हैं आपके पास VGS - VT, फॉर एग्जांपल ये VGS 8 है तो 8 - VT, VT यहाँ पे मेंशन है, VT 2 वोल्ट, तो अगर आप इस सेंस में करेंगे इस चीज़ को, अगर मैं डिस्कस करूँ VGS 8 वोल्ट को, तो इसको मैं करूँगा VGS 8 माइनस VT 2 वोल्ट, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा VDS सैचुरेशन का 6 वोल्ट। यहाँ पे उसने आपको बताया भी हुआ, आप भी कर सकते हैं, तो इसको फिर रिपीट कर देते हैं कि VDS सैचुरेशन अगर देखना है तो दैट इज़ VGS - VT, वो मिनिमम वोल्टेज जब चैनल इंड्यूस हो जाए, सोर्स टू ड्रेन के दरमियान करंट फ्लो करने लग जाए, सो दैट इज़ अ 2 वोल्ट इन दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और ये जो VGS है वो डिपेंड करता है कि आप कर्व कौन सी ले रहे हैं, तो अगर VGS 8 वाली कर्व आप ले रहे हैं तो 8 - 2 = 6, और लेट्स अगर मैं 7 वाली कर्व ले रहा हूँ तो 7 - 2 दैट विल बी 5। अच्छा अब इसमें ई टाइप जो MOSFET है इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट है जो कि कंस्ट्रक्शन में जैसे एक डिफरेंस था, और यहाँ पे इसकी जो आईडी की जो इक्वेशन है वो शॉकले पे डिपेंडेंट नहीं है, उससे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। इसमें ID इज इक्वल टू KVGS - VT का स्केल, और इसमें अभी देख लेते हैं कि इसमें K क्या है, ठीक है, और ये तभी बनेगी फॉर, यहाँ पे एक चीज़ लिखी भी हुई है VGS > VT, क्योंकि अगर VGS थ्रेशहोल्ड वोल्टेज से कम होगा तो फिर फर्दर आपके पास ड्रेन करंट जो है वो आपको मिलता है। तो एक तो ये K कांस्टेंट है उसको देख लेते हैं कि वो क्या चीज़ है, और एक VGS को हमने देखा कि गेट टू सोर्स का वोल्टेज है, और एक VT थ्रेशहोल्ड वोल्टेज होता है।
अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर वी जी एस और वी टी बराबर हो जाए तो फिर आई डी का क्या आंसर होगा, इफ वी जी एस इज इक्वल टू वी टी। फिर मेरा ख्याल आईडी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा मेरा। बिल्कुल, आई डी जीरो हो जाएगा। और ये वैसे थ्योरी में भी हमने बात देखी कि इंड्यूस चैनल तब बनता है, आई डी करंट तब फ्लो करता है जब आपके पास गेट टू सोर्स की वैल्यू थ्रेश होल्ड से ज़्यादा होगी। अगर थ्रेश होल्ड जितनी हो तो होगी तो फिर तो आपके पास वैसे ही उसका आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाना। तो एक तो मैथमेटिकली भी हमें पता चल रहा है और एक वैसे भी पता चल रहा है कि जो वी जी एस अगर मेरे पास वी टी के इक्वल होता है तो आपके पास ज़ीरो आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये स्केयर वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरे सेंस में अगर वी जी एस वी टी के बराबर नहीं होता तो फिर हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। अब उसको देख लेते हैं कि अब के को बेसिकली कैलकुलेट आप कैसे कह रहे हैं। के इज इक्वल टू आई डी ऑन ओवर वी जी एस ऑन माइनस वी टी। अब देख लेते हैं कि ये आई डी ऑन और वी जी एस ऑन का क्या मतलब है, क्योंकि अगर आपने कहीं यूज़ करने हो तो यहाँ पे उसने एक चीज़ लिखी है, सब्स्टिट्यूटिंग आई डी ऑन इज इक्वल टू 10 और वी जी एस इज इक्वल टू 8। ला कहाँ से रहा है, करेक्टरिस्टिक कर्व से ला रहा है, फिगर 6.35 से। ये देखिए कोई भी जो वी जी एस है, कोई भी वी जी एस, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास एक स्पेसिफिक आई डी होगा। कोई भी वी जी एस उसके अकॉर्डिंगली आई डी, यहाँ पर भी कोई भी वी जी एस उसके अकॉर्डिंगली एक आई डी, ये वी जी एस इसका ये वाला आईडी, ये वीजीएस उसके अकॉर्डिंगली ये वाला आईडी। तो जो वीजीएस ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक स्पेसिफिक आईडी होगा आपके पास। सो अगर आप वीजीएस ऑन ले रहे हैं 8 वोल्ट, दैट मीन्स के आईडी ऑन इज 10 और इसका वीडी कितना है 2। अगर ये कर्व पकड़ लेते हैं 7, तो उसके अकॉर्डिंगली इसका ऑलमोस्ट 7 के करीब, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी वीजीएस की वैल्यू ली है आपने। सो आई डी ऑन 10 mA और वी जी एस ऑन 8, तो बताया मैंने आपको कि जो वी जी एस ले रहे होंगे उसके अकॉर्डिंगली आई डी, या जो लेट से आई डी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वी जी एस, वो करेक्टरिस्टिक कर्व से आएगा, वो आपने लिख दिया। और थ्रेश होल्ड वोल्टेज वी टी लेबल्ड था, दैट वॉज 2। उसको जब आपने सॉल्व किया तो के की कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू आपके पास आ गई 0.278 × 10⁻³ - 3, उसके अकॉर्डिंगली ये आपके पास चीज़ें आ गई। एम्पेयर है, वोल्टेज का स्केयर है यूनिट की सेंस में। अब ये जो के की वैल्यू है उसको प्लग इन कर दें के की जगह, और जो वी जी एस आप 8 ले रहे थे वो आपको 8 लेना है, 4 लेना है, 7 लेना है, डिसाइड कर लें कि आपको क्या करना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट होल्ड कीजिए। मरियम मरियम बोला तो दे, तुम क्लास में ये देखे सोए होते हैं सारे बच्चे। क्या हुआ? क्या
अच्छा सॉरी फॉर इंटरप्शन, तो हम डिस्कस कर रहे थे के की वैल्यू का ना, तो लेट्स से के एंड जनरल इक्वेशन, ये आपके पास एक आपने एक वैल्यू ले ली, फॉर एग्जांपल आप सब्स्टिट्यूट करते हैं VGS4, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर VGS4 के इक्वल उसको अगर लेना चाह रहे हैं तो आप 4-2 करके उसको देख लें, आपके पास एक स्पेसिफिक आंसर आ रहा ID is equal to 1.11 मिली एम्पेयर का, ठीक है, और इसको उसने देखा एज वेरीफाइड बाय, अब उसी तरह जो पीछे फिगर थी हमारे पास 6.35 उसके ऊपर अगर मैं जाता हूँ और मैं VGS उसके अंदर मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास ID की उस पर भी आपको वैल्यू नज़र आ रही है, और अगर उसके अंदर VGS को अब ये खैर हम पहले भी बात डिस्कस कर चुके हैं कि VGS को अगर मैं VT कर देता हूँ तो मेरे पास टर्म जीरो हो जाएगी, जो अभी ईमान ने क्वेश्चन का आंसर किया था, अगर आप VGS को जीरो कर देते हैं फिर VT की टर्म के साथ जब आप डिफरेंस लेंगे VGS is equal to VT तो दैट विल बी जीरो, स्केयर की टर्म जीरो हो जाएगी, VGS VT के अगर बराबर होता है तो, अगर ये स्केयर की टर्म जीरो हो जाएगी तो डेफिनेट सी बात है ID की टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो ये एक वे था कि आप जो K की वैल्यू है उसको आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है, और ये आपके पास एक K की सेंस में आपने आंसर देखा, उसकी सेंस में जो वैल्यू पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ग्राफ आता जाएगा, तो थोड़ी बहुत वैल्यूज़ जो हैं वो आप जो प्लग इन करके उसको देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, यही ई टाइप मॉस्फेट का था, तो अगले लेक्चर में हम इन अ वेरी शॉर्ट वे में, क्योंकि माइट भी उसके ऊपर हमारे पास इतना ज़्यादा डेटा अभी इस कोर्स बुक में ना हो, सी मॉस और वी मॉस उसको इन अ वेरी शॉर्ट वे अगर हम डिस्कस करना हो तो उसको हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि सी मॉस की एक बड़ी कॉमन टर्म है वो यूज़ होती है आपके पास, क्योंकि जिस जगह पर जो बोर्ड्स वगैरह अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लगी होती तो मोस्टली वहाँ पर सी मॉस लगा होता, तो चलें वो एक अच्छा टच होगा कि हम उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे, बाकी अटेंडेंस वगैरह या उस तरह की चीज़ें वो तो रिपोर्ट से या वैसे देख लेंगे, और इवेंचुअली अभी आप ईमेल्स वगैरह रिसीव कर रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड, तो वो भी जैसे जैसे प्लान फर्दर जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे हम उस पर भी इवेंचुअली कमेंट्स वगैरह करते रहेंगे, और फाइनल से पहले जितनी भी हमारी चीज़ें होंगी वो हमारा सेशनल का पार्ट होगा, 4 quizzes कंडक्ट कर चुका हूँ, और अगर मैंने कोई एक आध और क्विज लेना हुआ जो कि ड्यू भी है, ठीक है, और उसको अभी मैं खुद से कंडक्ट नहीं कर रहा, कुछ चीज़ें प्लान करनी है, देखना है अभी कि क्या करना है उसका, सो वो क्विज अगर मैंने लेना हुआ तो वो मैं अनाउंस कर दूंगा, इन अ मीन वाइल आप साथ साथ प्रेपरेशन करते रहें, तो यानी कि अगर मैं कभी क्विज का आपको कहता हूँ तो आपके लिए वो हर्डल ना हो, क्योंकि इससे पहले भी एक दफ़ा मैंने ये सेम अनाउंसमेंट दी है और अभी भी कह रहा हूँ, ताकि वो और इवेंचुअली अगर क्विज नहीं भी होता तो पहले भी कहा कि फाइनल का पार्ट तो है तो जैसे तैसे भी आपको फाइनल के लिए इसको प्रिपेयर तो करना है, ठीक है, आज के लेक्चर के लिए फिर इतना ही, और फिर नेक्स्ट में होती है आपसे कम्युनिकेशन, ठीक है सर, आपने भी जी हाँ मैम कोई क्वेश्चन पूछना, जी जी नहीं सर, वो मैंने कहना था मेरा भी डिस्कनेक्ट हो गया था तो क्या अभी दोबारा लेना है स्क्रीनशॉट को लेना, नहीं 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 कोई मतलब नॉट एन इशू, बस ठीक है आप लोग क्लास में थे इनफ है, ठीक है, वो वैसे मेरे पास सारा सेशन आ रहा होता है कनेक्ट डिसकनेक्ट मतलब दैट इज नॉट अ बिग डील, बस ठीक है, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर, अल्लाह हाफिज़।